आज उसकी मशीन भी मैंने देख ली। और इस टाइम मैं जो है एम्प्रेस मार्केट के सबसे टॉप फ्लोर पर हूं। तारीख बताती है कि 1984 से लेकर 1989 में क्वीन विक्टोरिया ने पाकिस्तान के शहर कराची में विजिट किया और यहाँ पर उस वक्त अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी और उस वक्त अदर्स लोग यानी हिंदू, मुसलमान और चाइनीज़ भी रहा करते थे। 5-स्टार और मेहरान होटल में विजिटर्स रहते थे। तब क्वीन विक्टोरिया ने जब कराची का विज़िट किया तो उसे ये एहसास हुआ कि सुबह के वक्त सब्ज़ी वाला सिर्फ वन टाइम ही आता है और आसपास भी कोई दुकानें नहीं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि जैसे क्लॉक टावर्स लंदन में हैं यहाँ भी तामीर किए जाएं और वहाँ पर एक मार्केट बनाई जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उनके हुक्म के मुताबिक यहाँ यानी कराची में 4 मकामात पर क्लॉक टावर बनाए गए, एक 150 हॉल के करीब जिसका नाम टावर के नाम से ही जाना जाता है। और एक और कराची की सबसे बड़ी मार्केट यानी एम्प्रेस मार्केट जिससे पाकिस्तान का हर शहरी वाकिफ है और इस वक्त मैं वहीं पे मौजूद हूँ। तो भाई बड़ी तवील मेहनत के बाद पहुँच चुका हूँ इस टाइम में कराची और एशिया की सबसे फेमस मार्केट एम्प्रेस मार्केट जो मेरे अकब आप देख रहे हैं। इस मार्केट को वैसे तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग जानते हैं जो सिर्फ कराची के नहीं बल्कि मुल्के पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बैठ के इस चीज़ का जिक्र लाजमी करते हैं क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पे आपको दुनिया की हर वो चीज़ मिलती है जो आम मार्केट में नहीं मिलती। मुझे याद अच्छी तरह कि पिछले दिनों मैं घर के किसी काम से बाहर निकला, अम्मी ने कहा था कि मिर्च लेकर आइएगा। मिर्च कौन सी थी? वो कश्मीरी मिर्च की एक कैटेगरी थी जो मुझे कराची की कहीं पे भी नहीं मिली, बट इस मार्केट में मुझे मिली। और यह भी कहा जाता है कि अगर मौसम हो किसी फ्रूट का और आपको कहीं पे भी ना मिले तो इस मार्केट में मिलता है। तो इसके साथ मैं इस मार्केट में चलता हूँ आप लोग को लेकर। बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, मेरे साथ रहिएगा, मज़े कीजिएगा, देखते हैं अंदर जाके क्या क्या होता है। गोश्त मार्केट, ड्राई फ्रूट मार्केट और बहुत सारी जो आम रूटीन की चीज़ें मिलती हैं। ख़वातीन मेरी इस वीडियो को बड़े शौक से देख रही होंगी तो उन ख़वातीन के लिए ये कहना चाहूँगा कि मोहतरमा अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा मुझे, वो जंगली बॉय को। चलते हैं अंदर और इसके साथ साथ खाते भी दे हुए, बड़ी भूख लग रही है सुबह से आए हैं, तो चलते हैं वीडियो की जाने। शुक्रिया।
तो भाई एम्प्रेस मार्केट की सीढ़ियों में मौजूद हूँ, काफ़ी हद तक दिखा दिए, मज़ीद आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इसकी सीढ़ियाँ बड़ी डेंजर है। आइए मेरे साथ सब ऊपर चलें। ये वैसे परमिशन नहीं दी जाती यहाँ की, बड़े मुश्किलों से परमिशन ली है मैंने। तो ये नीचे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ साथ, ये देखते रहें आप लोग। और मेरे इस तरफ जो है सारी सीढ़ियाँ ही हैं, तो मैं उसके ऊपर ही चढ़ रहा हूँ। तो चलते हैं, ये आप देख सकते हैं सारे के सारे व्यू एम्प्रेस मार्केट का। तो ऊपर जाता हूँ मज़ीद, और उसके बाद जो है उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता हूँ। अजीब गरीब सीढ़ियाँ, सर मेरा कहीं नहीं लग जाए। एनी हाउ मैं पहुँच चुका हूँ तकरीबन एम्प्रेस मार्केट के टॉप पे, और अब देखें कि क्या सीन होता है। ये देखें, तो भाई एम्प्रेस मार्केट जब मैं इस रोड से गुजरता था तो ये पीछे क्लॉक्स मुझे दिखा करती थी, तो आज उसकी मशीन भी मैंने देख ली। इसकी मशीन है, अब तो खैर उस हालत में नहीं है, रिपेयर किया जाए तो शायद हो सकती है। उसके बाद उसका टॉप फ्लोर है, वहाँ पे जा नहीं सकता हूँ क्योंकि बीच में ना काफ़ी सारी जो है स्पेस ख़त्म है ऐसे ही है। और मैं कोशिश करता हूँ जाने की ऊपर, क्योंकि गार्ड भी मेरे साथ मौजूद है, उसने कहा चले मैं आपको लेके चलता हूँ, तो चलते हैं।
तो भाई मैं बचपन से लेकर अब तक वो जितने भी रोड आप लोगों को दिखाए हैं, मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, और अब तक जो है इस रोड पे गुजरा करता था। और इस टाइम मैं जो है एम्प्रेस मार्केट के सबसे टॉप फ्लोर पर हूँ, जहाँ पे अब तक किसी को परमिशन शायद के मिली हो। अगर जो आते हैं वो बाहरों बाहरी शूट करके चले जाते हैं। तो इस टाइम मैं एम्प्रेस मार्केट के टॉप मीनार के ऊपर हूँ, और यहाँ पे जो है आपको घड़ी भी दिखाई है जो ख़राब हो चुकी है, और अंदर तीन चार घड़ियाँ हैं जो तीन चार घड़ियों को चलाती हैं, वो सारी के सारी उसकी मशीन भी ख़राब हो चुकी है। बहरहाल इस टाइम मैं टॉप फ्लोर में मौजूद हूँ एम्प्रेस मार्केट के, और ये आप मुझे देख सकते हैं फुल एंगल में। और मेरे साथ इन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे यहाँ तक लेकर आए विदाउट किसी सेफ्टी बेल्ट के। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आऊँ और बारों बार ही एम्प्रेस मार्केट को शूट करूँ, तो इन साहब से मेरा माशाल्लाह इतना अच्छी दोस्ती हो गई कि सोला आओ यार इधर क्या करे, ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो बहरहाल बहुत ख़तरनाक रास्ते से मैं ऊपर तक पहुँचाऊँ, तो अभी मैं नीचे उतरूंगा और उसके बाद जो है एम्प्रेस मार्केट की गोश्त मार्केट का विजिट करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाता हूं ऊपर का, उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे लेके चलूँगा। यकीन करें इतनी ठंडी हवा और तेज़ हवाएं, नीचे जाने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा। तो आप मेरे ये देखें सारे पीछे जो है मेरा रेम्बोस सेंटर की बिल्डिंग है, और इसके नीचे जो है सारी के सारी एम्प्रेस मार्केट है। मेरे सामने जो है बोरी बाज़ार है, और उसके बाद जो है सामने रिगल है, और उसके बाद सामने जहांगीर पार्क है, उस तरफ मेरा मोबाइल मार्केट है, और सामने एमएजआर रोड है, जो मुझे सब कुछ दिख रही है। यकीन करें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। फर्स्ट टाइम इस बिल्डिंग के ऊपर आया हूँ मैं, और यकीन करें बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलते हैं नीचे, काफ़ी ठंडी हवाएँ खा ली हैं, अब नीचे चलते हैं और नीचे जाके शूट करते हैं, साथ रहिएगा। तो भाई टॉप से नीचे आ चुके हैं, एक बार फिर से आपको विजिट करवाता हूँ इन जगहों का। ये देखें ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे, और ये वही मशीन है जो आपको मैंने दिखाई थी। ये सारा का सारा इसका प्रोसेस है, ये वही घड़ियाँ हैं जो अंदर लगी हुई हैं, बट इस टाइम नहीं लगी हुई है। पर आप ये चारों तरफ जो है ये घड़ियाँ चलती थी, जो आपको चारों कोना दिखा चुका हूँ एम्प्रेस मार्केट का, तो ये अब नहीं चलती है। तो चलते हैं अभी नीचे की जानेब।
दुबई जाने का वक्त हुआ जाता है, कोशिश यही की थी मेरे कि मैं कंप्लीट लूँ, इवन के इसके टॉप फ्लोर पे भी गया हूँ और इस टाइम भी मैं एम्प्रेस मार्केट के पास ही खड़ा हूँ, आई मीन ऊपर खड़ा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ। तो भाई अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, मुझे जाने के लिए इजाज़त दीजिए। आई होप कि वीडियो बहुत पसंद आई हुई आप लोग को, मेरे ख्याल से कि किसी और व्लॉगर ने जो है ऊपर आके इस तरह शूट नहीं किया, अगर किया तो है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। उफ, थक गया था यार, ऊपर गया तो पता चला वाकई कोई लाइफ होती है। ये देख लें आप इसका टॉप फ्लोर, और यहाँ तक मैं गया हूँ और अपने इसको शूट किया है मैंने। तो भाई जाने का वक्त हुआ जाता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि इससे पहले आपने ऐसी मार्केट देखी या नहीं देखी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा और चलता हूँ मैं अपनी मंजिल की जानिब। अल्लाह नेगेबान। स्टोरी जो है इसकी वो कुछ ऐसी है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी स्टोरी वगैरह दे दूंगा इन्फॉर्मेशन। और ये कराची की सबसे कदीम मार्केटों में से एक मार्केट है एशिया की। तो भाई आप जब भी जो मुझे आउट ऑफ पाकिस्तान या फिर आउट ऑफ कराची से देख रहा है, आप जब भी कराची आते हैं तो इस मार्केट का लाजमी 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 सुना होगा। ये सदर मार्केट के अंदर जो है, सदर के अंदर जो है, ये मिड प्लेस में वाकिया है ये मार्केट एम्प्रेस मार्केट के नाम से। तो भाई रात होने को है, मैं चलता हूँ, अल्लाह नेगेबान। कि पिछले दिनों मेरा YouTube और Facebook का चैनल किसी ने हाईजैक कर लिया था, तो मेरा एक ही सवाल है जो जो मुझे देख रहा है उनसे, ये सवाल है मेरा कि भाई मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग मेरे YouTube और Facebook के चैनल के पीछे पड़ गए हैं। मैं बहुत छोटा हूँ अभी, आई एम नथिंग, मुझे काम भी करना नहीं आता है, मुझे कैमरा मैन भी करना नहीं आता है, इवन कि मुझे एडिटिंग भी नहीं करने आती है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आप लोग मुझे प्रमोट करने के बजाय मुझे हाईजैक करते हैं। तो लिहाजा इस तरह की हरकतें मत करें। आपकी दुश्मनी अगर मेरे साथ है तो मैं जब आपके सामने हूँ तो उस वक्त अपनी वो वाली दुश्मनी निकाला करें। ये पीठ पीछे वार करना, YouTube Facebook के चैनल को हैक कर देना, ये कहाँ की इंसाफी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अब तक किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं की, ना ही किसी को साथ किसी को कुछ गलत या बुरा कहा। लेकिन मेरा यही सवाल है आप लोग से कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है। तो लिहाजा भाई मैंने जिसके साथ भी कुछ भी किया हो या उसको ठेस पहुँचाई हो तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करें। मेरी बहुत स्ट्रगल होती है यकीन करो एक ब्लॉग के पीछे, पूरा पूरा दिन मेरी ख्वारी होती है, फिर आके एडिट करता हूँ और उसके बाद जो है छोटी सी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। इवन के मुझे यूट्यूब और फेसबुक का सही यूज़ भी नहीं आता, और उसके बाद पता चलता है कि मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल जो है हैक हो चुका है। तो लिहाजा इस तरह की हरकतें मत करें। आप जो भी हैं आप मेरे पास आएँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपको भी कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ आपको, मैं आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। तो लिहाजा इस तरह की हरकतें मत करें। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल रिकवर हो चुका है और बहुत मुश्किल से हुआ है रिकवर, शायद आपको नहीं पता है। आप लोग सिर्फ पासवर्ड चेंज करना जानते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। मुझे, मैंने आपको पहले ही से कह चुका हूँ, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि किस तरह प्रोसेस होता है। मैं आता हूँ, वीडियो डाल देता हूँ और ख़त्म। लिहाजा मैं, बहुत लंबी कहानी है, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, शायद आपकी दुआ से ही मैं आगे निकल पाऊँ। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए।